एक आरोप है हमारे संविधान पर जो कुछ ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, आप अगर उसके तह में जाएं तो कुछ ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, कुछ अमेरिका से ले लिया, कुछ कनाडा से ले लिया, कुछ फ्रांस से ले लिया, ये उसमें ये जे बंगल राव जी का काम है। अच्छा, तो जो ड्राफ्ट बना है वो बंगल राव का है और फाइनल अथॉरिटी भी बंगल राव जी थे, क्योंकि वो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब लोग ये कहते हैं कि बी आर अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन में 7 लोग और थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। आप जरा 7 का जो कंपोजिशन है उसको जरा देख लीजिए और उस कंपोजिशन में आप देख लीजिए कि कितने लोग किस मीटिंग में उपस्थित हैं, तो पता चलेगा कि सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाएगा तो चुनाव होगा तो सब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहे थे। तो बी आर अम्बेडकर का काम इतना ही है कि बंगल राव जो देते थे उसकी भाषा ठीक करते थे। आप हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम आपको अगर मालूम हो तो आप ठीक से इसको समझ सकते हैं। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियों में रा और आईबी दोनों का मैं जानता हूँ कि उनके सिपाही टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख करके सूचनाएं ले आते हैं और उसको बहुत बढ़िया अंग्रेजी में जो आईपीएस अफसर हैं जो आईबी में बैठे हुए हैं रा में बैठे हुए हैं उसकी उसको उस ड्राफ्ट को ठीक करते हैं और प्रधानमंत्री के लायक उसको बना देते हैं। बट अम्बेडकर हिमसेल्फ मतलब वो पढ़े लिखे थे और काफी अच्छा लिख लेते थे। नहीं तो भाषा उन्होंने ठीक की बंगल राव की, लेकिन अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया और इसको अंबेडकर ने खुद 2-4 बार स्वीकार किया, यहाँ तक कहा है कि संविधान को आग लगाने की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि हम इसको आग लगा देंगे। ये तो अंबेडकर ने एक बार उन्होंने गुस्से में कहा, लेकिन कई बार उन्होंने बहुत शांत मन से कहा है। एक बार तो राज्यसभा में गुस्से में बोल गया 1953 और 54 की बात है संभवतः, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में उन्होंने कई बार बहुत जब उस समय तो वो रिएक्शन में बोले हैं जब लोग खड़े हुए बोलने के लिए और शायद आंध्र प्रदेश के निर्माण का बिल था तो खड़े हुए बोलने के लिए तो मजाक में सब उन्हें कहना शुरू किया कि आप इस संविधान के खिलाफ क्यों बोलने जा रहे हैं, आपने ही बनाया है। तो वो चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि आप ये लोग बहुत कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, मैंने कोई संविधान नहीं बनाया, मुझे तो जो कहा गया वो मैंने किया और इस संविधान को आग लगाने की जरूरत पड़े अगर लगी तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ। तो ये तरह का मिथ है आप कह रहे हैं कि अंबेडकर का रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिथ है। हाँ, ये मिथ है और ये क्या कहते हैं वो मिथ बनाया गया है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ये पार्ट है। लेकिन तो, वो खुद जो चाहते थे वो भी एक तरह से समझा जा सकता है कि आइडेंटिटी के बेसिस पे देखिए हम अंबेडकर की पर्सनालिटी की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उस पर करना होगा तो हम लोग अलग बात करेंगे। मैं अंबेडकर एक डेमोक्रेट थे इसके कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे जो मैंने चिट्ठी गांधी जी की बात की वो चिट्ठी के आधार पर जब संविधान के आर्टिकल 40 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंत में रास्ता निकाला गया ना कि नीति निदेशक तत्व के जरिए उन बातों को शामिल कर लिया जाए, तो वो जो संशोधन पेश हुआ उस संशोधन को अगर भीमराव अंबेडकर ने मंजूर ना किया होता तो वो संविधान का पार्ट नहीं हो सकता था। आप उस समय की डिबेट पढ़िए तो भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि गांव में मेरा कोई विश्वास नहीं, गांव बहुत गंदे हैं और मैं नहीं चाहता कि संविधान में गांव का जिक्र हो, ये सब वो बोले।
परंतु जब बहुत डिबेट हुई और सबको उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग कह रहे हैं तो मैं इस संशोधन को स्वीकार कर लेता हूँ। तो इस ये उनके लोकतांत्रिक होने का सबूत है। और इसी तरह से 25 नवंबर को जब 25 नवंबर को दो ही लोगों का भाषण हुआ है, संविधान जब संविधान बनकर तैयार हुआ, पहला भाषण भीमराव अम्बेडकर का है और दूसरा भाषण और आखिरी भाषण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वो दोनों भाषण पढ़ने लायक। तो ये लेकिन मूल बात यह है कि ये संविधान जो बना उस समय संविधान बनाने की परिस्थितियां नहीं थी, दूसरा संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है और वकील ही सब वहाँ थे